ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 30 ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 85 ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। रामनगरी अयोध्या दूसरी बार त्रेता युग दे नजारियां दा गवाह बनन जा रहा है। अयोध्या विच शानदार दीपमाला दियां सारियां तैयारियां पूरियां कर लियां गईयां हन। पीएनबी धोखाधड़ी मामले च एजेंसियां नूं लोड़िंदे मेहुल चौकसी दे सहयोगी दीपक कुलकर्णी नूं इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वल्लों कोलकाता हवाई अड्डे तों गिरफ्तार कीता गया है। मशहूर भजन गायक विनोद अग्रवाल दे सीने विच दर्द दी शिकायत होण मगरों उन्हां नूं हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर च शोपिया विखे हुई मुठभेड़ विच दो आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद इदरीस सुल्तान ते आमिर हुसैन राथेर वजो हुई है। राम मंदिर मुद्दे दे गरमाउण ते दिवाली मनाउण लई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे विचकार यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का वड्डा बयान सामने आया है। एसडी कॉलेज चंडीगढ़ के विद्यार्थी लक्ष्य राणा ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम विखे 10वें टांग इन मोडे वर्ल्ड कप दौरान भारत वालों खेडद्या कांसे का तगमा जीत के देश और इलाके का नाम रोशन किया है। बीती रात जिला मानसा के पिंड मत्ती कोल वापरे सड़क हादसे में एक की मौत हो जाने और एक नौजवान के गंभीर जख्मी होने का समाचार है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर विच 62 नक्सलियों ने 51 देसी हथियारों नाल बस्तर के आईजी विवेकानंद सिन्हा और नारायणपुर के एसपी जितेंद्र शुक्ला की मौजूदगी विच मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। जानकारी लिए दस दिए कि स्टेडियम का नाम इकाना क्रिकेट स्टेडियम तो बदल के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिता गया है।